हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माया करड़िया फिर एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के चैप्टर 16 के टॉपिक ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस के बारे में। ट्रांसजेनिक प्लांट्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी कहते हैं। अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आता है, हमेशा ध्यान रखिए ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हर बार आता है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स का एक सिंपल वे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले जो डिजायर्ड जीन होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको पृथक किया जाता है, यानी आइसोलेशन किया जाता है। आइसोलेशन करने के बाद उसे जो हमारी प्लांट सेल है, जो टारगेट प्लांट सेल है, जिस प्लांट में हमें डालना है उसमें डाला जाता है, और इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट सेल हमें प्राप्त होती है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते क्या हैं? गाइस, ट्रांसजेनिक प्लांट्स को यदि हम डिफाइन करें तो जैसा कि हम कह रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी उनके जीन्स में फेर बदल किया जा चुका है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स के जीन्स में हेर फेर किया जाता है, इसलिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स कहे जाते हैं। दीज आर डेवलप्ड बाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक आप पढ़ चुके हो कि उसके डीएनए को अलग करके डीएनए में फेर बदल किया जाता है, डिजायर्ड जीन डाले जाते हैं। इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना फॉर्म करके उसे वापस प्लांट सेल में डाला जाता है और न्यू स्पीशीज बनाई जाती है। इस तरह से बनने वाली जो प्रोजेनी होती है, जो संतति होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, यानी हर पीढ़ी में वो जीन आगे पहुंचता है। दीज जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज जीएमओ, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहे जाएंगे। यानी जीन्स में फेर बदल करने के बाद इन प्लांट्स को या इन ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम सच प्लांट्स आर रेफर्ड एज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, यानी खाद्य पदार्थों में यदि किसी तरह का चेंज कर दिया जाता है तो जो फूड हमें प्राप्त होता, खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कहेंगे। देन ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऑफ डिजायर्ड स्पीशीज कैन बी डेवलप्ड बाय द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स है वो किस तरह से, जैसा कि मैंने सिंपल वे आपको बताया था इसी वीडियो में, तो उसी का वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ कि किस तरह से हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बनाते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन। जीन को आइडेंटिफाई किया जाएगा, आइसोलेशन किया जाएगा, यानी पृथक किया जाएगा। देन फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, यानी जिस वेक्टर के थ्रू या डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के थ्रू हमें प्लांट सेल में जीन डालना है, प्लाज्मिड के थ्रू भी डाल सकते हैं। जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम का जो प्लाज्मिड होता है उसके अंदर अगर डिजायर्ड जीन डाल दिया जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम की कंडीशन आ जाती है, यानी एग्रोबैक्टीरियम का जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम इन द सेल्स ऑफ टारगेट प्लांट। अब जो एग्रोबैक्टीरियम स्पीशीज है उसके द्वारा टारगेट प्लांट सेल को या प्लांट को इन्फेक्ट कराया जाएगा, संक्रमित कराया जाएगा, जिससे कि वो जीन उस प्लांट में चला जाएगा। सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल्स देयर कल्चर एंड रीजनरेशन। अब उस प्लांट की ग्रोथ करवाई जाएगी, उसको जो है रीजनरेट करवाया जाएगा और उस डिजायर्ड जीन को देखा जाएगा। इस तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट्स निर्मित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, डिजायर्ड जीन उनमें डाला जाता है और उसके द्वारा बहुत सारी वेराइटीज डाली गई है। देखिए, बहुत सारी वैरायटी जो बनाई हुई है उसी में कुछ एक नाम मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जैसे कि गोल्डन राइस। गोल्डन राइस क्या होते हैं? विटामिन ए जो है एनरिच कंडीशन में होता है, उसमें सुपर पोटैटो इसके द्वारा बनाए हुए हैं। इसी तरह से सीड की क्वालिटी चेंज की गई है, जैसे प्रोटीन एनरिच कंडीशन कर दी जाती है, एडिबल वैक्सीन बनाई हुई है, इम्पोर्टेंट मेडिसिन बनाई है। इसी तरह से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनाई हुई है, जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के द्वारा डेवलप की गई है। इसी तरह से मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग की गई है। इसके अलावा कई और भी कार्य किए गए हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स में, जैसे कि आजकल आप सब्जियों की वैरायटीज देखते हैं या फूलों के कलर्स देखते हैं, वो सब जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। अब देखिए, जेनेटिकली इंजीनियरिंग का जो
प्रोसेस है उनमें जीन किस किस तरह से डाला जा सकता है प्लांट्स में, जैसे वेक्टर मीडिएटेड हो सकता है जीन ट्रांसफर, किसी वेक्टर के द्वारा जीन डाला जाए जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड, वायरस मीडिएटेड हो सकता है, इन प्लांटा टेक्निक्स काम में ली जा सकती है, केमिकल मेथड्स भी होते हैं, फिजिकल मेथड्स भी होते हैं जैसे कि जीन गन मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड या माइक्रो इंजेक्शन मेथड, लिपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ये सब आप पहले पढ़ चुके हो पिछले वीडियो में। देखिए आगे यूजेस क्या क्या हैं, जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स है उनके यूजेस क्या क्या हैं, यानी कहां कहां किस किस तरह से प्लांट्स में चेंज किया गया जिससे कि उसके कई बेनिफिशियल यूजेस हैं, जैसे कि नाम है बैसिलस थुरिजियंसिस। गाइस इस पे हमेशा क्वेश्चन आया करता है वुड में, बैसिलस थुरिजियंसिस एक बैक्टीरिया होता है कॉमनली नॉन एज बीटी, इसको बीटी के नाम से जानते हैं। ये सॉइल इनहेबिटेंट होता है यानी सॉइल में पाया जाता है, फर्स्ट बार इसको आइडेंटिफाई किया था 1911 में। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट दिस वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन कॉजिंग डेथ ऑफ लार्वे ऑफ 4 स्पीशीज ऑफ बॉलवर्म, यानी इस बैक्टीरिया में एक खास करेक्टर ये होता है कि ये 4 स्पीशीज ऑफ बॉलवर्म की जो है लार्वे को ये डेड कर देता है, मार सकता है, और इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन से इस बॉलवर्म के लार्वे को जो है मारा गया, किसके द्वारा, बैसिलस थुरिजियंसिस के द्वारा। इस बैसिलस थुरिजियंसिस में क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से ये बॉलवर्म को मार सकता है। गाइस क्राइजिन इज फाउंड इन दिस बैक्टीरियम, क्राइजिन इसमें पाया जाता है, और ये क्राइजिन क्या होता है, ये क्राइजिन जो है कोड फॉर ए प्रोटीन, एक प्रोटीन को कोड करता है, और ये प्रोटीन यदि किसी प्लांट में डाल दिया जाए जैसे कि यहां पर डाला गया है कॉटन प्लांट में, इनकॉर्पोरेट किया गया है जीनोम ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन वेराइटी सो डेवलप इज कॉल्ड बीटी कॉटन। अब इस कॉटन वेराइटी का नाम हो गया बीटी कॉटन या किलर कॉटन भी इसको कहते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ही इसको इन्फेक्ट करेगा कोई भी तो ये उसको मार देता है। द कॉटन इज रेजिस्टेंट टू द बॉलवर्म, बॉलवर्म के प्रति ये रेजिस्टेंट हो गई कॉटन। ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल में इस तरह से ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए गए और पेस्ट कंट्रोल इससे होता है। ये जो मेथड्स हैं ये इको फ्रेंडली भी होते हैं गाइस, इफेक्टिव भी होते हैं, सस्टेनेबल भी होते हैं और बेनिफिशियल मेथड्स होते हैं। इस तरह से पेस्ट रेजिस्टेंस में ट्रांसजेनिक प्लांट्स का बहुत अच्छे से यूज हुआ है। देन हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स शाकनाशी हिंदी में हम कहते हैं इसको, हर्बिसाइड्स जो है प्लांट्स को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं ये जो प्लांट में सिंथेसिस होते हैं अमीनो एसिड्स उनको प्रिवेंट करते हैं, प्लांट में जो नॉर्मली सिंथेसिस होती है अमीनो एसिड्स की उनको प्रिवेंट करते हैं, इस तरह से प्लांट को ये नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि ग्लाइफोसेट इज एन हर्बिसाइड, एक ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड होता है, ये ईपीएसपीएस जो है एक एंजाइम होता है जो प्लांट्स में जो कि एमिनो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स बनाता है, इसको ब्रेक करता है यानी इस एंजाइम्स के प्रोडक्शन को ब्रेक करता है ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड। अब देखिए जैसे ही एंजाइम नहीं बनेगा तो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स भी नहीं बनेंगे और प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। अब यदि इस एंजाइम के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए, इस एंजाइम के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए किसी जीन के द्वारा, यानी प्लांट में जीन इंजेक्ट कर दिया जाए जिससे कि ये जो है एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ जाए तो ग्लाइफोसेट का प्रभाव कम हो जाता है। इन सेवरल प्लांट्स जीन रेगुलेटिंग इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ ईपीएसपीएस एंजाइम हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ग्लाइफोसेट, तो इस हर्बिसाइड का जो है इफेक्ट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जैसा कि ये एक्सपेरिमेंट है टोमेटो और पिटूनिया में किया जा चुका है। देन ट्रांसजेनिक प्लांट्स का डेवलपमेंट ऑफ मेल स्टेरिलिटी, इसमें क्या यूज है, यानी मेल स्टेरिलिटी किस प्रकार की जाती है। मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है कि जो मेल भाग होता है उसको स्टेराइल कंडीशन में ला देना। मेल स्टेराइल प्लांट्स आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर
हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण की जब तकनीक अपनाई जाती है, प्लांट्स का क्रॉस कराया जाता है, तो इमैस्कुलेशन, नॉर्मली इमैस्कुलेशन की प्रोसेस के द्वारा मेल स्टेराइल प्लांट बनाए जाते हैं। देखिए गाइज, अगर मेल स्टेराइल प्लांट बनाना है तो एक जैसे कि रैप सीड है जिसको तोरिया भी बोलते हैं, प्लांट मेल स्टेराइल प्लांट्स हैज बीन डेवलप्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग बार्नेज जीन। डांजिनी प्लांट्स में क्या हुआ कि बार्नेज जीन जो है, जो कि बेसिलस एमाइलो लिक्वी फेसियंस के द्वारा प्राप्त किया गया, इस बार्नेज जीन को इस प्लांट में डाला गया और इस प्लांट में जैसे ही डाला गया ये मेल स्टेराइल कंडीशन में आ गया, यानी मेल स्टेराइल प्लांट बन गया, क्योंकि जीन जो है डिजनरेट कर देता है टेपिटल सेल्स इन द एंथर लोब। एंथर की जो टेपिटल सेल्स है उसको डिजनरेट करता है और इस तरह से ये जो है टेपिटल सेल्स नष्ट हो जाएगी तो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा और जो मेल भाग है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इस तरह से प्लांट मेल स्टेराइल प्लांट बन जाएंगे, फ्यूजन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। देन डिलेड फ्रूट राइपनिंग, ट्रांजेनिक प्लांट्स का डिलेड फ्रूट राइपनिंग में क्या यूज है, यानी फलों का देरी से पकना। गैसियस हार्मोन इथाइलिन जो है इन्वॉल्व होता है रेगुलेटिंग फ्रूट राइपनिंग में। फ्रूट राइपनिंग की कंडीशन फूलों के पकने में, ये जो क्वेश्चन आता है कि गैसीय हार्मोन, ऐसा गैसियस कंडीशन में हार्मोन कौन सा है जो फूलों को पकने के काम आता है, आपको बताना है इथाइलिन जो है फ्रूट राइपनिंग में काम आता है। फ्रूट राइपनिंग कैन बी स्लो डाउन, यदि इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर दे यानी धीमे प्रोसेस कर दे। धीमे प्रोसेस कैसे होगी, जब रिड्यूसिंग कंडीशन हो जाएगी इथाइलिन प्रोडक्शन की, यानी इथाइलिन का प्रोडक्शन कम होना चालू हो जाएगा तो फ्रूट राइपनिंग की कंडीशन स्लो डाउन हो जाएगी। इसी तरह से एक वेराइटीज की बनाई गई है टमेटो की वेराइटी में क्या किया गया गाइस, ध्यान दीजिए, टमेटो हैज बीन डेवलप्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग द फीचर ऑफ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एंजाइम पोलीगैलेक्टोरोनेज एंजाइम जो है इसके अमाउंट, यानी इसके अमाउंट को कम कर दिया गया और इसका अमाउंट कम हो जाएगा। ये एंजाइम क्या काम करता है, डिग्रेड करता है सेल वॉल को और रेस्पॉन्सिबल होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए। तो यदि इसके अमाउंट को कम कर दिया जाए तो फ्रूट राइपनिंग धीमे प्रोसेस या स्लो डाउन की कंडीशन में आ जाएगी। दिस वेराइटी ऑफ टोमेटो इज नोन एज फ्लावर सेवर वेराइटी के नाम से ये जानी जाती है, जो कि टमाटर की टेस्टी और फ्रेश जो है वेराइटी बन जाती है और लॉन्गर पीरियड तक इसको काम में लिया जा सकता है, यानी फलों को देरी से पकने वाली कंडीशन और लंबे समय तक रखने के लिए डिलेड फ्रूट राइपनिंग की प्रोसेस की जाती है, जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स के द्वारा संभव है। इसके बाद है एज बायो रिएक्टर, ट्रांसजेनिक प्लांट्स का बायो रिएक्टर में क्या यूज है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स एज बायो रिएक्टर, देखिए प्लांट्स के द्वारा बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, प्लांट्स को केमिकल फैक्ट्रीज कहा जाता है बिकॉज दे सिंथेसाइज सेवरल टाइप्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, क्योंकि बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स इनके द्वारा बनाए जा सकते हैं। अगर जो प्लांट्स होते हैं उनमें डिजायर्ड जीन डाल दिया जाए, हमें जो भी केमिकल कंपाउंड्स बनाने हैं उनके डिजायर्ड जीन डाल दिया जाए तो प्लांट्स कैन बी मेड टू सर्व एज बायो रिएक्टर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड्स, तो हमारे इच्छित प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कॉल्ड मोलिकुलर फार्मिंग, अगर इस कंडीशन में जो हम चाहते हैं वो प्रोडक्ट बना ले तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड है इसको मोलिकुलर फार्मिंग के नाम से जाना जाएगा। और इस कंडीशन में बायो रिएक्टर्स के द्वारा जो मोलिकुलर फार्मिंग के नाम से जाना जाता है, इस फील्ड में गोल्डन राइस बना लिए गए हैं, इम्प्रूव्ड सीड प्रोटीन क्वालिटी यानी प्रोटीन क्वालिटी को बढ़ा दिया गया है, सुपर पोटेटो बनाए गए हैं, कई मेडिसिन का प्रोडक्शन इसके द्वारा किया गया है। तो इस तरह से बायो रिएक्टर के रूप में ये काम आते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स। फिर है कलरफुल फ्लावर्स, कलरफुल जो फ्लावर्स आप देखते हो कि एक फ्लावर के कई कलर्स, नेचुरली ऐसा नहीं होता है गाइज, ये जो
कुछ डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स बना लिए जाते हैं, एक वेराइटी से अनेक वेराइटीज बना लेना, अनेक चेंजेस उसमें कर देना, ये भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स के द्वारा संभव है। यानी डिजायर्ड जीन डाल दिया जाता है, उसके द्वारा हम अलग अलग वेराइटीज उसमें बनाते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट थे नीदरलैंड के, उन्होंने आइसोलेट किया एक जीन फ्रॉम मेज एंड ट्रांसफर इट इन द जीनोम ऑफ पिटूनिया। मेज से जीन को आइसोलेट करके किसमें ट्रांसफर किया, पिटूनिया में। और जो डेवलप हुए फ्लावर्स वो ऑरेंज कलर के फ्लावर्स थे। विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ब्लू रोज ब्लू ट्यूलिप हैव आल्सो बीन डेवलप्ड। यानी कि ये जो है ब्लू कलर के रोज ब्लू ट्यूलिप, ये जो है ये भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स के द्वारा डेवलप किए जा चुके हैं। तो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, देखते रहिए आपका अपना चैनल बायो स्टडी बाय माया कराड़िया। ओके गाइज, थैंक्स।